नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी बेसिस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी बेसिस के थ्रू जो भी आपकी जॉब्स आती है, तो उस जॉब्स के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, यानी जैसे कि आपकी MTS की पोस्ट है, तो MTS की पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है या नहीं होता, और जो MTS का सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आपने आपको अभी तक ये नहीं पता, आप जॉब के लिए अप्लाई तो करते बेसिस में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बेसिस जो है ये किस प्रकार से काम करती है, बेसिस क्या है, बेसिकली कैसे काम करती है, इसमें जो जॉब्स आती हैं उस जॉब्स में क्या परमानेंट होने के कोई चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कितने साल का होता है, तो इत्यादि चीज़ें मैंने बता रखी है। जिस वीडियो में मैंने बता रखी है चीज़ें, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देखिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि जो बेसिस है वो किस प्रकार से काम करती है। ये तो हो गई आपकी बेसिस। एक और संस्था है ICSIL, ठीक है। ICSIL क्या है कि वो क्या है, ICSIL क्या है, वो कैसे काम करती है, इसमें जो जॉब्स आती है उसमें परमानेंट होने के चांसेस होते हैं नहीं होते, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। यदि आपने ये दो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप ये दो वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तभी आपके समझ में आएगी कि जो भी ये संस्थाएँ बनाई गई हैं वो किस पर्पज से बनाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, जो ये वीडियो, इस वीडियो में, इस वीडियो को बनाने के लिए केवल एक कमेंट मेरे पास ऐसे आया कि इस कमेंट को पढ़ के मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। यदि आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, ताकि मैं उस पर भी, अगर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जो ये कमेंट आई थी मेरे पास, इसमें आप कमेंट में देख सकते हो कि इसमें कमेंट क्या है, फिर मैं इसका रिप्लाई आपको देता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये कोई प्रतीक शर्मा है, इन्होंने कंप्लेंट यो कमेंट करी है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इन्होंने पूछा है बेसिस में MTS की पोस्ट के लिए कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह होता है या मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता है, प्लीज बताइए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि जो बेसिस में MTS की जो पोस्ट होती है, स्पेसिफिक एक पोस्ट आती है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती है, इसमें कोई रिटन एग्जाम होता है या इंटरव्यू होता है या मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ बेसिस का, जो कि अभी आया हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा MTS, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसकी बात करते हैं। इसमें जो आपको चाहिए, एक तो 10वीं पास आपको होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। MTS की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। आपने 10वीं पास कहीं से भी करी है, किसी स्टेट से करी हो, आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अब सबसे मेन चीज़ यहीं पे, आप यहाँ ध्यान से समझो, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, यानी जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस दी जाएगी जिस कैंडिडेट को एक्सपीरियंस MTS का, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस का अर्थ होता है कि उसको जॉब पहले प्रेफर की जाएगी, यानी उसको जॉब पहले दी जाएगी जिसको एक्सपीरियंस है, चाहे वो एक्सपीरियंस 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, फ्रेशर कैन ऑल्सो बी कंसिडर, यानी जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने कभी भी MTS के पोस्ट के लिए, कोई भी उनके पास पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं है, जो फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10वीं बेस पे, तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा एज ए फ्रेशर। लेकिन सबसे पहले किसे कंसीडर किया जाएगा, जिनके पास एक्सपीरियंस है उसे ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं जो कमेंट आए, ठीक है, कमेंट कि इसमें कोई रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू वगैरह किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है, अब इसकी बात करते हैं। देखो इसमें क्या है कि ये टोटली उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है जो, जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हॉस्पिटल की वैकेंसी है, ठीक है, सपोज करिए आप हॉस्पिटल की वैकेंसी है, हॉस्पिटल की वैकेंसी में क्या है कि आपको MTS में क्या काम होता है, MTS में काम ये होता है, बेसिकली मैं आपको काम भी बताता हूँ, काम क्या करना होता है। ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट है सब में
सेम काम होता है, कुछ परसेंट काम सेम होता है, कुछ अलग होता है। काम क्या होता है एमटीएस का, फाइल यहाँ से वहाँ करना, यानी फाइल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, डाक वगैरह भेजना और प्रिंट आउट वगैरह निकालना, और जो भी लेटर वगैरह टाइपिंग वाइपिंग का काम करवाते, ये सब काम होता है, फोटो स्टेट वगैरह करना, ये बेसिकली एमटीएस का काम होता है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट वाइज काम अलग हो सकता है, लेकिन कुछ परसेंट जो काम होता है सारे डिपार्टमेंट में सेम होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका ये सिलेक्शन होता है ये टोटली डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। नोटिफिकेशन में आपने देख लिया कि सबसे पहले एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, यदि एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो मे बी चांसेस होते हैं कि आपकी जॉब भी लग जाए एज ए फ्रेशर बेस पे। तो जो फ्रेशर बेस पे जॉब लगती है तो उसमें आपका इंटरव्यू तो मतलब मान के चलो कि मस्ट है, इंटरव्यू में तो आपसे ये पूछा ही जाएगा कि आप इससे पहले क्या काम करते थे, आप ये काम कर देंगे नहीं कर देंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन तो होना ही होना है। ठीक है, जो इसमें सिलेक्शन होता है मेरिट बेस पे भी हो सकता है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि डिपार्टमेंट किस बेस पे सिलेक्शन करता है आपका। एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो गए 100 पूरे, बच गए इसमें 45 सीट्स। अब 45 सीट्स पे जो ये बेसिस है, कई बार जो होता है बेसिस ही सिलेक्शन करती है और कई बार जो होता है डिपार्टमेंट करता है सिलेक्शन, तो ये बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है और डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसे 45 कैंडिडेट यानी 45 कैंडिडेट जो लेने हैं वो किस बेस पे लेने हैं, मेरिट बेस पे लेने हैं या उनका इंटरव्यू देना है या उनसे और कोई काम करवा के देखना उसके बेस पे देना। तो ये टोटली डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है जैसे बेसिस है इस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप जो कमेंट है इस कमेंट का रिप्लाई मैंने आपको दे दिया। यदि आपकी और कोई क्वेरी है, जैसे उनको क्वेरी थी उन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे किया, मैंने उस पर एक वीडियो बना दी, आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी आपके समझ में आई होगी। यदि आपकी बेसिस से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और कमेंट अगर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पूछा है, तो उस पर मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।